आज हम एक प्रॉब्लम करते हैं कूलम लॉ से रिलेटेड। यहाँ पे एक ये एक एग्जांपल प्रॉब्लम है कूलम लॉ पे। इसमें ये कह रहे हैं कि चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 50 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड इन XY प्लेन। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास Q1 है जो कि 100 माइक्रो कूलम है और एक Q2 है जो कि हमारे पास 50 माइक्रो कूलम है। ये हमारे पास XY प्लेन में पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चार्ज Q1 ये पड़ा हुआ है, ये एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे XY प्लेन में ये दो चार्जेस पड़े हैं Q1 और Q2। ये जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं ये कहाँ पड़े हुए हैं, एट पोजीशन R1 इज इक्वल टू 3J एंड R2 इज इक्वल टू 4I रिस्पेक्टिवली। ये चार्जेस की जो पोजीशन है XY प्लेन में, ये जो आपके पास है यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है ये आपका वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में दो चार्जेस पड़े हुए हैं और इन चार्जेस की जो पोजीशन है, Q1 की जो पोजीशन है हमारे पास वो है R1 विच इज़ इक्वल टू 3J। ये R1 जो है ये एक पोजीशन वैक्टर है और पोजीशन वेक्टर आपको पता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक वो वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या किसी भी पार्टिकल की लोकेशन हमें बताता है। अब जैसे यहाँ पे R1 जो है ये हमारे पास Q1 का पोजीशन वेक्टर है और ये है 3J। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो J है, J R1 वेक्टर का जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर J है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है R1 की जो वाई एक्सिस में। आपको पता है जे जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, तो R1 पोजीशन वेक्टर जो है वो एक तो वाई एक्सिस में है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन है R1 की, और दूसरा जो इसका जो यूनिट है वो 3 है, यानी कि ओरिजिन से आप 3 यूनिट 1, 2, 3 यूनिट आप चलेंगे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो आप Q1 तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह से R2 पोजीशन वेक्टर जो है ये Q2 के लिए है और R2 पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 4I। इसका मतलब ये है कि आपने 4 यूनिट जो है वो I डायरेक्शन में चलना है। I यूनिट वेक्टर जो है ये शो कर रहा है कि R2 जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अगर आपके पास R2 पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर I है तो उसका मतलब ये है कि R2 जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो Q2 इसका मतलब है जहाँ पे पड़ा है वो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। और R2 इज इक्वल टू 4J, इसका मतलब है आपको J जो है वो तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है और 4 यूनिट्स हैं। इट्स मीन कि आपको एक्स एक्सिस में 4 यूनिट्स 1, 2, 3, 4 यूनिट्स आपको एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा तो आप Q2 तक पहुंच जाएंगे। वेयर द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस जो है उनको हम मीटर में मेजर करेंगे। यानी कि अब R1 इज इक्वल टू 3J है तो आपने J की डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस में आपको 3 मीटर जाना पड़ेगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तब आप क्यू तक पहुँचेंगे। इसी तरह R2 आपके पास 4I है तो, और I मीन आपको X डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 4 मीटर तक, 1, 2, 3, 4 मीटर तक आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 4 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर है। हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है फोर्स ऑन Q2, हमने चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है जो Q1 की वजह से लग रही होगी। यहाँ पे सिर्फ और तो कोई चार्ज नहीं है, हमारे पास Q1 चार्ज है तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो Q1 की वजह से लग रही है। तो Q2 पे जो फोर्स लग रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास F21 वो फोर्स है जो चार्ज 2 पर लग रही है यहाँ पे। अब अगर आपको F21 फोर्स लिखनी है तो उसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा F21 का। F21 फोर्स का एक तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, दूसरा F21 का आपको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। F21 का आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ सबसे पहले हम F21 जो फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या है। मैग्नीट्यूड तो इसका वही होगा
जो हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो चार्जेस हैं दो ही हैं, q1 और q2। पर जो फोर्स लग रही है वो q1 की वजह से लग रही है, और ज़ाहरी बात है जो अगर q2 पर जो फोर्स q1 की वजह से लग रही है तो q1 पर भी q2 की वजह से फ़ोर्स लग रही होती है। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो चाहे हम q1 के ऊपर फोर्स फाइंड करें या q2 के ऊपर फाइंड करें, हमें फार्मूला यही वाला लगाना पड़ता है, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 और r स्क्वायर। यहाँ पे दोनों चार्जेस हम लेते हैं q1 q2। r जो है आपको पता है ये डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान, और यहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारा वो r21 होगा। r21 आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये एक वेक्टर बना हुआ है इधर, यहाँ पे q1 से q2 की तरफ एक वेक्टर बना हुआ है r21। अगर इसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड ले लें तो वो डिस्टेंस होगा q1 और q2 के दरमियान। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली लेंथ होती है। जब आप r21 इस वेक्टर की लेंथ लेंगे तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे जब, तो वो इसी की लेंथ होगी q1 और q2 के दरमियान। तो यहाँ पे जो r है आपके पास, इस जगह पे आप पुट करेंगे r21, बेसिकली आप यहाँ पुट करेंगे r21, r21 का मैग्नीट्यूड लेंगे और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है F21 का यूनिट वेक्टर, आप यहाँ पे देखें जो F21 है ये वो फोर्स है जो Q2 पर लग रही है Q1 की वजह से। इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो होगा R21 का यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो फोर्स आपकी Q2 पर लग रही है, फोर्स जो आपकी Q2 पर लग रही है, ऐसे मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों जो चार्जेस हैं आप देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों सेम चार्जेस हैं। ये पॉजिटिव 100 माइक्रोकूलम और ये पॉजिटिव 50 माइक्रोकूलम, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों जो हैं इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी। इस Q1 पर जब फोर्स लगेगी तो ये इस तरह से इस तरफ वो फोर्स लगेगी Q2 के ऊपर Q1 की वजह से, और इस फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है वो हम R21 ले लेते हैं, R21 इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं इस फोर्स का, और ये फोर्स जो है वो Q1 से Q2 की तरफ लग रही है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास फोर्स है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, मैं ज़रा इसको ये साफ करके लिख रहा हूँ, R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। अब R21 यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि R21 यूनिट वेक्टर क्या है। तो R21 यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला जो रिक्वायर है वो क्या है, R21 का यूनिट वेक्टर, आपने R21 यूनिट वेक्टर फाइंड करने जो F21 फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। R21 यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है, जिस वेक्टर का भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो उसके लिए आप उसके वेक्टर को, यानी कि R21 का यूनिट वेक्टर चाहिए तो R21 के यूनिट वेक्टर को R21 के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें। अब R21 मैग्नीट्यूड आपके पास कैसे आएगा, उसके लिए पहले R21 वेक्टर निकालना पड़ेगा। R21 वेक्टर क्या है हमारे पास, ज़रा इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि जो R21 है वो बेसिकली R2 - R1 के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होता है जिसमें अगर हमने एक वेक्टर निकालना हो Q1 से Q2 की तरफ, ये जो वेक्टर निकालना हो इसके लिए हम जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है उसमें से Q1 के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो Q1 से Q2 के दरमियान वाला ये वाला आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो R21 है ये हमारे पास इक्वल है R2 - R1 करेंगे तो R21 आपके पास वेक्टर आ जाएगा। ये फिर से देख लें एक बार, यहाँ पर ये Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 है, ये वाला R2, और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है आपके पास ये R1 है।
तो आर टू में से आर वन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा, जो क्यू टू का पोजीशन वेक्टर भी है एक तरह से क्यू वन के लिहाज से। क्यू वन को अगर यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर करें तो क्यू वन के लिहाज से आपका जो क्यू टू का पोजीशन वेक्टर है वो आर टू वन बनता है। इस वेक्टर में से इसको माइनस करें तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आता है, आर टू वन इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। अब आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। जो R2 हमारे पास है, R21 ओके, R2 माइनस R1 के इक्वल है, और R2 हमारे पास क्या है, R2 है हमारे पास 4i, R2 हमारे पास 4i है, 4i माइनस R1 हमारे पास क्या है 3j, 3j ये हमारे पास R21 वेक्टर आ गया। इसी तरह R21 का जो मैग्नीट्यूड है, R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे हम निकालेंगे, R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा बस स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट I के साथ आपके पास 4 है तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस J के साथ आपके पास 3 है इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस 3 है J के साथ इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये आपके पास वो फार्मूला है जिससे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, इसमें I के साथ जो वैल्यू होती है आई का आई यूनिट वेक्टर का जो कोफिशियंट है वो ले लेते हैं, प्लस जे यूनिट वेक्टर का जो कोफिशियंट है वो ले लेते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ये आपके पास 25 स्क्वायर रूट ये आपके पास 5 आ गया। अब हमने शुरू में देखा था प्रॉब्लम में यहाँ पे के जो डिस्टेंसेस हैं वो मीटर में हमने मेजर करने, तो यहाँ पे आपके पास ये जो आंसर है ये 5 मीटर है, और ये जो था आपके पास ये 4 मीटर था, 4 यहाँ पे आपने लिखना था मीटर, और इसी तरह ये जो था ये आपके पास 3 मीटर था, तो यहाँ पे आंसर आपके पास जो आया वो 5 मीटर है। यहाँ मीटर स्क्वायर स्क्वायर ये आपके पास 5 मीटर इसका आंसर आ गया। आर टू वन, अब आर टू वन का मैग्नीट्यूड भी आ गया, आर टू वन का हमारे पास वेक्टर भी आ गया, इन दोनों को डिवाइड करते हैं ताकि आर टू वन का हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाए। और मैं एक और बात बताता चलूँ, ये जो आर टू वन का मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली डिस्टेंस है क्यू वन और क्यू टू के दरमियान। यहाँ पे आप देखेंगे Q1 है और ये Q2 है, इसके दरमियान जो लेंथ है वो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, R21 का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए हमें R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, और R21 वेक्टर आपके पास क्या है 4i, ये आपके पास R21 वेक्टर है 4i माइनस 3j, 4i माइनस 3j डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 5, या आपके पास R21 का यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब हम फोर्स लिख सकते हैं, मुझे चार्ज 2 पर लग रही है 1 की वजह से, 1 इसमें आपके पास ये फोर्स है ये F21, ये है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ज़रा देखिएगा आप, पहले 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद Q1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, Q1 की हमारे पास वैल्यू है 100 माइक्रो कूलम, तो हम यहाँ पे इसके बाद Q1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 माइक्रो कूलम है तो हम
यहाँ पे माइक्रो की जगह 10^-6 कूलम लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास Q2 की वैल्यू क्या है, फोर्स F2 1 में आप देखिए Q1 के बाद Q2 है, तो Q2 की यहाँ वैल्यू पुट करनी है और Q2 की वैल्यू आपके पास 50 माइक्रो कूलम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 50 माइक्रो की जगह 10^-6 कूलम। इसके बाद डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, R21 आपको पता है क्या है, 5 मीटर है, तो हम यहाँ पे R21 की वैल्यू लिखते 5 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें F21 की हमने 1/4 pi epsilon naught की भी वैल्यू पुट कर ली, Q1 Q2 की भी वैल्यू पुट कर ली, R21 का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर ली। अब हमारे पास R21 का यूनिट वेक्टर है, तो R21 का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, R21 का यूनिट वेक्टर है हमारे पास 4i-3j डिवाइडेड बाय 5, ये हम वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, 4i-3j डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नाइन मल्टीप्लाई, नाइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 450, नाइन मल्टीप्लाई बाय 50 तो हमारे पास आ जाता है 450। इसके बाद आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास वैल्यूज बच रही हैं 10^9 और यहाँ पे आपके पास 10^2 है, 10^2 तो आप यहाँ पे लिख लें, ये 10^2 जो 100 है हम इसको 10^2 भी लिख सकते हैं, ये इसमें पावर ऐड हो जाएगी। इसके बाद 10^-6 है, ये भी इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इस इन पावर्स में। इसके बाद आपके पास 10^-6 है, तो ये -6 भी इधर आ जाएगा और बाकी आपके पास यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम की पावर ये -2 है और यहाँ कूलम की पावर 1 है और ये भी कूलम की पावर 1 है, जहाँ जहाँ कूलम है उनकी पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, और डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर, 4i-3j डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आपके पास इसको आप इस तरह से कर लें डिवाइड, ये जो आपके पास वैल्यू आई थी 450 इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 10^9 +2 11 स्क्वायर गया -1 डिवाइडेड बाय 25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से कैंसिल ही कर दें, नेवल के एक बाद में कैंसिल कर देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। यहाँ पे देखें ये कूलम है, कूलम की पावर -2 और +2 ये 0, तो सी की पावर 0 ख़त्म, यहाँ पे पावर इसकी 0 रह गई, 4i-3j डिवाइडेड बाय 5। अभी आपके पास ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और सी की पावर 0 ये तो 1 होता है, आपके पास बच जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10^-1 न्यूटन और ये 4i-3j डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया आपके पास। अब इनको ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 450 आपके पास 450 डिवाइडेड बाय 25 450 डिवाइडेड बाय 25 ये आपके पास आ गया है 18
और इसको फिर 10 से भी हम डिवाइड कर देते हैं, 80 10 की पावर माइनस 1 है नीचे जाके, प्लस 1 हो जाएगी न्यूटन, और ये 4i माइनस 3j डिवाइडेड बाई 5। तो अब 18 को हम डिवाइड कर देते हैं 10 से, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 1.8 हमारे पास आ रहा है। और अब ये वाला 5 भी है, इसको भी इसके नीचे लिख लेते हैं, इसके नीचे भी लिख लेते हैं, और ये 4i माइनस 3j और न्यूटन को हम ज़रा साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1.8 ये 1.8 डिवाइडेड बाई 5 जो है हमारे पास, ये 0.36 आया है। इसको अब मल्टीप्लाई करना है 4i माइनस 3j न्यूटन, तो ये F21 ये हमारे पास वैल्यू है। इस 0.36 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाई 4, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.44। हम यहाँ लिखते हैं 0.36 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44i आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हैं, इसके ऊपर हेड इस वजह से लगाना है। अच्छा, माइनस 0.36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.08 आ रहा है हमारे पास। 0.36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.08j आ रहा है हमारे पास। ये फोर्स हमारे पास जो है ना, ये न्यूटन में आई है F21, ये हमारे पास न्यूटन में फोर्स आई है। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, F21 का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट में लिखना है आई के साथ जो भी वैल्यू है 1.44 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ आपके पास वैल्यू 1.08 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.8 न्यूटन। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है, तो F21 ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का। इसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, यहाँ पे F21 की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ F21 फोर्स, आपको पता है जब किसी भी वेक्टर की हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम उसका बेसिकली एंगल फाइंड करते हैं, हमें एंगल फाइंड करना है। वो एंगल हमें फाइंड करना है जो F21 बना रहा है।